आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। और हम आपको बताएंगे कि अशुभ चंद्रमा के उपाय क्या हैं। देखिए, ज्योतिष में चंद्र ग्रह को मन का कारक ग्रह माना गया है। अगर किसी की कुंडली में चंद्र अशुभ हो तो व्यक्ति को मानसिक तनाव का सामना करना पड़ता है, साथ ही कार्यों में बाधाएं भी आती हैं। चंद्र की वजह किस्मत का साथ भी नहीं मिल पाता है चंद्र की वजह से। तो यहां हम आपको बताने वाले हैं कि अशुभ चंद्र के असर को कम करने के ज्योतिषी उपाय क्या हैं, इनसे जल्दी आपको शुभ फल मिल सकते हैं। पहला उपाय है, चांदी का दान कीजिए। यदि आप ज्यादा चांदी का दान नहीं कर सकते तो सिर्फ चांदी का तार भी दान कर दीजिए। कभी भी किए गए दान का घमंड नहीं करें। दान करना हो तो गुप्त दान करें। गुप्त दान यानी कि ऐसा दान जिसमें आपकी पहचान गुप्त रहे। घर में चांदी या पारे के शिवलिंग की स्थापना करें और रोज पूजा करें। घर में मोर पर पंख रखेंगे तो चंद्र से शुभ फल प्राप्त होंगे। घर में बहुत ज्यादा बड़ी घड़ी रखने से बचें। आप नॉर्मल जो वॉल क्लॉक होते हैं उससे रखिए। उसके बाद और भी चीजें बताने जा रहा हूं। घर में पूजा करते समय शंख भी बजाएं, इससे भी चंद्र के अशुभ असर खत्म होते हैं। कभी भी चांदी से बनी कोई भी चीज उपहार में या दान में नहीं लें। नारियल का सेवन करें, सफेद कपड़े पहने, अनुलोम विलोम प्राणायाम करें, घर के उत्तरी भाग में कोई शुभ पौधा लगाएं। फिर दूध का दान करें और सोमवार को दूध का सेवन करने से बचें। घर की उत्तर दिशा में चांदी के बाल गोपाल की मूर्ति स्थापित करें। मूर्ति को स्फटिक की माला पहनाएं और रोज पूजा करें। इससे अशुभ चंद्र का जो असर है वो खत्म हो जाता है। अगर इन बातों का ध्यान रखेंगे तो कुंडली के अशुभ चंद्र का असर खत्म हो सकता है और मानसिक तनाव से मुक्ति मिल सकती है। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।